वेलकम बैक। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू मेक एन्चांटेड नेदरराइट आर्मर। तो इसके लिए ना मैं पहले अपनी फर्स्ट पोजीशन पर्सन कर देता हूँ। उसके लिए मैंने एक किया हुआ है कुछ भी मेरे चेस्ट पे। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, उसके बाद टू कर देंगे शील्ड। ओके, मैंने हेलमेट भी ले लिया एंड मैं इसको वापस असेंबल कर देता हूँ क्योंकि चले गया था। ओके, तो बन गया है। अब यहाँ से मैं सारी चीज़ें निकाल दूँगा। ओके, सारी एन्चांटमेंट बुक्स जो भी काम आएगी। ओके, तो अनब्रेकिंग का ये यूज़ होता है, जो आपका आर्मर होता है वो जल्दी नहीं टूटता। जितने जल्दी टूटता है वो बहुत धीरे टूटता है, अनब्रेकिंग का ये काम होता है। अब बारी आती है मेंडिंग के। मेंडिंग का ये यूज़ होता है कि आपकी जो एक्सपी है ना वो ज़्यादा बढ़ा है। वो जैसे इस पर मैं थॉर्न्स लगाने वाला हूँ, थॉर्न्स थ्री से जो भी बंदा मरेगा ना उसकी मेंडिंग जो होगी ना एक्सपी ज़्यादा मिलेगी। जैसे अभी मैं मेंडिंग्स लगा रहा हूँ सारे आर्मर्स पे। तो शील्ड का काम हो चुका है, अब शील्ड ले लेता हूँ मैं। एंड यहाँ से हम लोग लेंगे प्रोटेक्शन फोर लेनी होती है क्योंकि वो शील्ड पे नहीं लगती। प्रोटेक्शन लगाने वाला हूँ पूरे आर्मर में। प्रोटेक्शन का ये यूज़ होता है कि जैसे आप गिरोगे उससे वो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं देगा, फिर मॉब मारेगा उससे डैमेज नहीं देगा, फिर लावा जितना डैमेज देता है उससे थ्री प्लस ज़्यादा नहीं देगा, मतलब कम देगा। और अब बारी आती है थॉर्न्स की। थॉर्न्स थ्री का ये यूज़ होता है जिस जो भी मॉम आपको मारेगा उसको भी डैमेज पड़ेगा जैसे आपको पड़ता है। फिर यहाँ से मैं थॉर्न्स थ्री लगाना है, फिर हमारा आर्मर का भी काम हो गया। अब इसको पहनना नहीं है, मैं वैसे इधर रेस्पिरेशन का निकालना है। जैसे अभी मैंने ये पहन लिया तो इसको पहने वो ढंग से कर दिया और ये इस पर इतना लगा, तो इसको इतना नहीं करना होता है। इसको पूरा करने के लिए यहाँ से आपको अपना आर्मर उतारना पड़ेगा, हेलमेट एंड बूट्स। तो हेलमेट पे लगती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना कैसे लगती है हेलमेट पे। तो रेस्पिरेशन लगेगी हेलमेट पे। एक्वा एफिनिटी भी लगेगी हेलमेट पे। एंड फिदर फॉलिंग लगेगी बूट्स पे। डेप्थ सोल स्पीड ये भी लगेगी बूट्स पे। डेप्थ स्ट्राइडर ये भी लगेगी बूट्स पे। और ये हमारा आर्मर बन चुका है, ओवर पावर्ड आर्मर। ओके, अब बारी आती स्वॉर्ड पिकैक्स एंड एक्स की। तो स्वॉर्ड पे बहुत सारी एन्चांटमेंट लग सकती है। पहले हम लोग लेंगे शार्पनेस मैंने ले ली। एंड सेकेंड हम लोग लेंगे लूटिंग। इसके बाद हम लोग लेंगे कौन सी लूंगी मैं, वेट ना मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ यार। एक काम करता हूँ, नॉक बैक। उसके बाद लूँगा मैं फायर एक्सपेक्ट के बाद मैं लूँगा अनब्रेकिंग के बाद लूँगा मेंडिंग। अनब्रेकिंग मैंने ले ली, अब आ रही आती मेंडिंग की। मेंडिंग भी मैंने ले ली। अब मैं जाऊँगा एनविल पे, उस पर पूरा एन्चांट कर दूंगा अपनी स्वॉर्ड और वो बन जाएगी ओवर पावर्ड स्वॉर्ड। एंड ये बन गई। इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब मैं इसकी पावर सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। पहले हम लोग अपना आर्मर उतार लेते हैं और रख देते हैं कहीं जैसे चेस्ट में। अभी मैं सारा चेस्ट में रख दे रहा हूँ आर्मर। एंड ये रख दिया मैंने। एंड लेट्स गो। एंड अब मैं लूँगा पिकैक्स एंड शवल। ओके, लेट्स लेता हूँ ये शवल सॉरी एक्स मैंने ले ली। यहाँ पर ले ली मैंने पहले अनब्रेकिंग, सेकंड लेनी है मैंने मेंडिंग, थर्ड लेनी है मैंने फॉर्चून लो सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी सॉरी एफएनसी के बाद मैंने फॉर्चून लगी क्या, हाँ फॉर्चून लेनी। उसके बाद लेनी है हमें स्माइट सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, शार्पनेस से भी ज़्यादा। अब मैं सारी एन्चांटमेंट्स लगाऊंगा। सर मैंने एक गलती कर दी, पहले मैं सारी एन्चांटमेंट्स लगा देता हूँ इसको हटा के पिकैक्स पे। एंड जो शार्पनेस लगती है सॉरी स्माइट लगती है एक्स पे, ये मैंने कर दी लगा दिया। अब मैं लगाऊंगा स्माइट फाइव एक्स पे।
लगे। अब मैंने जो गलती करी थी उसको लेना पड़ेगा मुझे वापस। अनब्रेकिंग 2 लेनी है एंड मेंडिंग भी 2 ले लूँगा। मेंडिंग स्पेलिंग गलत लिख दी, MEN मेंडिंग आ गई। मेंडिंग भी मैंने ले ली। अब ले बारी है FENC की। FNC मैंने FNC भी ले ली, सॉरी फॉर्चून ली है मैंने, लास्ट में लूँगा FNC। यहाँ पर मैंने लगाई अनब्रेकिंग सब पे। अब बारी आती मेंडिंग, मेंडिंग भी सब पे लगा दी। अब बारी आती फॉर्चून, फॉर्चून भी सब पे लगा दी। उसके बाद अब बारी आएगी हमारी FENC जो मैं अभी ले लेता हूँ। ये मैंने ले ली। अब मैंने इन दोनों पे लगा देनी है। तो जैसे मैंने लगा दी है, इसके भी मैं लास्ट में दिखाऊंगा। अब मैं इसको भी रख देता हूँ। इसके बाद अब हम लोग किसका करें, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, बो क्रॉस बो। तो आपको 2 क्रॉस बो लेनी होती है। मैं आपको दिखाऊंगा ना किस लिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी एनचांटमेंट है जो लगती नहीं है अगर वो वाली एनचांटमेंट लगा दी। अब लेते हैं अनब्रेकिंग मैन इन्फिनिटी। हाँ सॉरी, मैं बो पे लगा रहा हूँ पहले इन्फिनिटी। अब आप वो लोग बोले कि मेंडिंग क्यों नहीं लगे, क्योंकि मेंडिंग के बजाय इन्फिनिटी नहीं लगी है। और इन्फिनिटी का ये यूज़ होता है कि आपके पास अनलिमिटेड एरोज होता है 1 एरो से। अब लेने मैंने पंच। एंड अब आती है फ्लेम की बारी जो मैंने ले ली। अब इसको भी कर देते हैं, पहले तो टाइम टू डे कर देते हैं। एंड यहाँ से कर दिया मैंने डे। यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ से अपने इसको भी एंजॉय कर देता हूँ। ये होने वाला है। यहाँ से इधर किया, यहाँ से इधर किया को भी, और ये सारी लग गई। अब मैं बो की पावर दिखाऊंगा आपको, बट मैं लास्ट में। अब क्रॉसबो की पावर तो मैं अभी दिखाऊंगा, पहले इसको या साइड में रख देते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू अनब्रेकिंग लेना। अनब्रेकिंग मेंडिंग फिर सॉरी प्रोटेक्शन नहीं, मल्टी शॉट मल्टी शॉट क्विक चार्ज क्यू था ना सर। हाँ, क्विक चार्ज ले लिया 2। अब आप लोग बोले कि 2 क्यों ली, देख लो आप ही ना क्यों ली मैंने इसके लिए। ओके, तो सब पे लगा रहा हूँ मैं। इसमें लगा दी, इस पर भी कुछ चार लगा दूँगा मैं। अब बारी आती है अनब्रेकिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्विक चार्ज का क्या यूज़ होता है। क्विक चार्ज इसलिए यूज़ होती है ताकि आपकी बहुत जल्दी चार्ज हो। मल्टी शॉट का ये यूज़ होता है कि आप 3 एरोज फेंक सकते हो। और अभी मैं लगाऊंगा पियर्सिंग अनब्रेकिंग मेंडिंग। तो यहाँ से मैं ये भी रख देता हूँ। नहीं 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 क्विक चार्ज वाली नहीं रखनी मैंने, जो इस पर क्विक चार्ज ही लगी है। अब लेना है मैंने अनब्रेकिंग मेंडिंग। यहाँ क्या जा रहा हूँ मैं, यहाँ से थोड़ी ना मिलती। अब मैं लेने अनब्रेकिंग मेंडिंग और कौन सी थी इसका नाम भूल गया मैं, हाँ ये वाली। एंड अब मैं इस पे लगा दूंगा ये सारी एन्चांटमेंट्स। अब इसका क्या यूज़ होता है नई एन्चांटमेंट का, इससे अगर आपके सामने 2 मॉब्स हैं उसको ये एक एरो उसके अंदर जाके दूसरे मॉब को भी डैमेज देता है। पियर्सिंग का ये यूज़ होता है, पायर्सिंग। ठीक है, अब आ जाती है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का क्या यूज़ होगा, ट्राइडेंट का मैं ट्राइडेंट पर अनब्रेकिंग मेंडिंग एंड रिपटाइड लगाऊंगा, सॉरी रिपटाइड अब लूँगा एंड अनचैनलिंग। और एक सेकंड ना, बस एक सेकंड रुकना, मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ, तो मैं वापस आ गया। अब मैं सब पे लगाऊंगा अनब्रेकिंग मेंडिंग। तो मैंने सब पे लगा दी। अब सबको एनचांट कर देना है, इस पे जाना है, इस पे रिपटाइड। तो रिपटाइड आपको ना पानी में यूज़ करनी होती है। पानी में जाना है आपको, मतलब वाटर में, और रिपटाइड को दबा के रखना है जिससे आप लोग फ्लाई कर सकते हो। और जब आपकी क्या बोलते रेनिंग हो रही होगी माइनक्राफ्ट में, तो भी आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। चैनलिंग का ये यूज़ होता है जब थंडर स्टॉर्म वाला वेदर होता है, आप किसी भी लाइटनिंग रॉड, मतलब जो क्या बोलते हैं लाइटनिंग रॉड होती है, उस पर ऊपर मारोगे, उस पर लाइटनिंग बोल्ट गिरेगा। ठीक है, अब मैं इन सबको एनचांट कर दूंगा।
शीयर्स को अनब्रेकिंग से, इसको भी अनब्रेकिंग से, एलाइटर को भी अनब्रेकिंग से, अनब्रेकिंग से इसको मेंडिंग, इसको मेंडिंग, इसको भी एक सेकेंड, इसकी मेंडिंग आ गई, इसकी मेंडिंग आ गई, मेंडिंग हो गई। अच्छा मुझे अनब्रेकिंग एंड मेंडिंग ले लिया, मेंडिंग मैं ले लेता हूँ, अनब्रेकिंग में ले लेता हूँ। हाँ अनब्रेकिंग 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 कुछ पे लगी है, हाँ इस पे अनब्रेकिंग लगी है, अनब्रेकिंग अनब्रेकिंग, हाँ ये दी अनब्रेकिंग ले ली। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस पे अनमेंडिंग, इस पे लगाऊंगा अनब्रेकिंग। एक सेकंड, मैंने एक और गलती कर दी, मैंने तो लूरे लगाया ही नहीं, लूरे एंड लक ऑफ द सी तो भूल ही गया था, एक बार लगा देता हूँ, लूरे एंड लक ऑफ द सी, हाँ मिल गई। अब मैं इसको लगाऊंगा फिशिंग रॉड पे, और ये देखो मेरी सारी चीज़ें बन चुकी है। अब मैं इसका यूज़ दिखाऊंगा, अभी हम लोग इसको भी रख देंगे चेस्ट में, ताकि और इतने सारे एन्चांटमेंट होने के बाद हमारा आर्मर बन चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको ये यूज़ कैसे करते हैं। पहले पूरा आर्मर बाहर निकाल लेते हैं, उसको पहन लेते हैं, पहले शील्ड पहनते हैं, उसके बाद सारा आर्मर पहनते हैं, तो हमारा आर्मर ऐसा दिखता है। अब बारी आती है ये वाली स्वॉर्ड की, एंड सारे सब कुछ असेंबल करके रख देते हैं। ओके तो इतना बन गया, और ये यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल ली। और आपको ना इसीलिए एक वो एरो चाहिए होता है एंड वाटर बकेट, जो मैं इस वीडियो में लूँगा अभी थोड़ी देर में। एंड यहाँ से मैंने ले ली वाटर बकेट, एक सेकंड वाटर बकेट नहीं, मिल्क बकेट ले ली मैंने, तो वाटर बकेट लेने के बाद मैंने लिया एरो, हाँ एरो, ये लारो एरो, सॉरी मैंने लारो लिख दिया, एरो होता है, और ये मैंने कर ले लिया एरो। तो इसके लिए आपको 3 स्टैक एरो चाहिए। नहीं 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 रुको 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 रुको, मैं इसको निकाल क्यों रहा था, 3 स्टैक एरो ना, मैंने 1 2 3 3 स्टैक हो गया, तो ये बन गए हमारे 3 स्टैक एरो। अब आप लोग बोलेंगे क्यों, क्योंकि तुम्हारी बुक पे तो इन्फिनिटी लगी हुई है, इन्फिनिटी ना एरो तो यूज़ करेगी, बट ये जो हमारी क्रॉस बो है वो एरो को, उसको एरो चाहिए हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्पॉन डेंजर, मतलब जायंट क्रीपर, ये माइनक्राफ्ट के वर्जन में आया, मतलब मैं जो खेलता हूँ उसमें है, नो कस्टम मोड्स, इसको देखते हैं। 4 शॉट्स में मरेगा ये, मुझे पता ही था। अब बारी आती है अपने हैंड से मारने की, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। आपने देखा कितने शॉट में मरा, शॉट से 6 4 शॉट में, एंड हैंड से 6 शॉट में। अब बता दो गोलम, ये वाला इन्फर्नल गोलम नहीं स्पॉन करता, मैं ये वाला गोलम स्पॉन करता हूँ। अब मैंने स्पॉन कर दिया, अब देखो इसको कितने मिनट में मरेगा, 7 शॉट्स में मुझे लग रहा है, काउंट करना आप। हाँ यस 7 शॉट्स में ही गया ये, मुझे पता ही था। एंड अब बताओ तो मैं पिकैक्स की नहीं, एक्स की स्पीड, एक्स हाँ ये री जिस पे ये लगी हुई, मैं इस वाले वुड को माइन करता हूँ, ये देखो कितनी तेज़ हुआ ना, ये होती है एक्स की स्पीड। अब शवल की दिखाऊंगा मैं आपको, शवल की स्पीड, शवल कहाँ यूज़ करूँ, कहाँ, यहाँ यहाँ यूज़ करता हूँ शवल की। देखो एक ब्लॉक 2 सेकंड में माइन कर रहे हैं, तो इसका यूज करके मैं नीचे आ गया। अब बता दो पिकैक्स की स्पीड, पिकैक्स ने एक ब्लॉक इतने सेकंड्स में माइन कर दिया, मीन्स शवल से थोड़ा सा स्लो है, मीन्स शवल इज़ बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।